इसीलिए मैं जा रहा हूँ भिंड मुरैना कि ये मैं सभा भी करूँगा, ये बंद की सभा है, अपना संदेश जनता की आवाज़ हम पहुँचा रहे हैं। कांग्रेस का जो आज का बंद है ये केवल जनता की आवाज़, जनता की पीड़ा, दुखी जनता, हर वर्ग, केवल पेट्रोल और डीजल की बात नहीं है। इसके इस बंद में जुड़े हुए हैं किसान, इस बंद में जुड़े हुए हैं नौजवान, इस बंद में जुड़े हुए हैं महिलाएं, असुरक्षित महिलाएं, और पूरे मध्य प्रदेश में आज जो जनता की आवाज़ उठ रही है ये स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में किस प्रकार की उनकी परिवर्तन की मांग है। मुझे सही रिपोर्ट है। गवर्नमेंट का दबाव है, दुकानों पर दबाव है, खास करके भोपाल में, कि दुकानें खोलें, बंद असफल हुए। इस प्रकार की राजनीति से जनता की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, और पूरे सरकारी शासकीय तंत्र लगा है कि बंद को फेल किया जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उज्जैन में गुंडागर्दी की, एक पेट्रोल पंप पे तोड़फोड़ की, ये अलाउ करते हैं आप? देखिए, मैं निंदा करता हूँ, हम शांतिपूर्ण बंद चाहते हैं, और मैं अपील करता हूँ, मैं सब कांग्रेस जन से, आम जनता से अपील करता हूँ कि ये जो हम आवाज़ उठा रहे हैं बंद के नाम पर, ये बिल्कुल शांतिपूर्ण हो, ये मेरी अपील है। सर, राहुल जी का क्या प्रोग्राम हुआ फाइनल? राहुल जी का प्रोग्राम 17 तारीख को आएंगे, और तब हमारी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, पदाधिकारियों का सम्मेलन है, वो शुरू करेंगे संगठन से, कि जैसे मैंने कहा है, हमेशा कहा है कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन शक्ति से है और धन बल से है, तो इसीलिए ये शुरुआत करेंगे संगठन से, उसके बाद आगे उनके प्रोग्राम बनते जाएंगे। वो इसको जो भी नाम दें, वो चलेंगे, बस में जाएंगे लाल घाटी से लेके BHEL के ग्राउंड में। ये कॉमर्स मिनिस्टर रहे सर आप, तो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की टर्म है, क्या आप बताओगे कि ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या इतनी बढ़नी चाहिए, कंपल्शन है सरकार पर? बिल्कुल कंपल्शन नहीं है। मोदी जी के भाषण सुनिए, जब $122 कच्चे तेल का भाव विश्व में था, तब लगभग 55 रुपये में पेट्रोल और डीजल के भाव थे। आज जब 70-72 रुपये है कच्चे तेल का भाव विश्व में, और 85 तक पहुँच रहा है पेट्रोल, ये बात स्पष्ट करती है कि ये जनता की आवाज़ नहीं सुन सकते, इनके कान नहीं चल रहे, ये देख नहीं सकते जनता की पीड़ा, इनकी आंख नहीं चलती, केवल इनका मुंह चलता है। राजस्थान में सर वसुंधरा सरकार ने वैट कुछ कम किया है, मध्य प्रदेश की सरकार से आप कुछ कहोगे? कम से कम कितना? मैं तो मध्य प्रदेश से कहूँगा, जो राजस्थान ने किया आप उसका डबल करिए, जनता को राहत पहुँचाइए। पर ये जो खोखले वायदे हैं, इनके तरह तरह की घोषणाएं हैं, ये तो अगर वैट रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, ये तो कल से करना पड़ेगा, इसमें ये करें, पर जो आगे के वायदे हैं कि ये होगा वो होगा, ये जो गुमराह करने की बात है, पेट्रोल और डीजल के केस में गुमराह जनता नहीं हो सकती, क्योंकि सीधा रेट पे ये इफेक्ट होगा, और सब चीज़ों में ये गुमराह कर सकते हैं, पर पेट्रोल और डीजल में ये गुमराह नहीं कर पाएंगे। सर, रुपया भी काफ़ी निचले स्तर पर रहता है। कि रुपया नीचे जा रहा है, भाव तेल के भाव ऊपर जा रहे हैं, कितनी आलोचना करते थे मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी, जब रुपये कुछ थोड़ा बहुत नीचे जाता था, ऐतिहासिक रुपया आज नीचे गया है। इसमें आम जनता को फर्क पड़ेगा कि जो हमारा आयात होता है, हमारा जो भी वस्तु, जैसे कुछ हमारे दाल का भी आयात होता है थोड़ा बहुत, इसका असर होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमारा सेलफोन होए, हमारा टेलीविज़न होए, इसमें जो भी चीज़ें का इम्पोर्ट होता है, ये बहुत महंगी हो जाएंगी।